वेलकम है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल माय इंडियन रेलवे जर्नीज में। आज मैं आपके लिए ट्रेन जानकारी लाया हूँ, ट्रेन नंबर 22996 अजमेर मुंबई बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। इसकी जानकारी रोड़ा जी ने मांगी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल माय इंडियन रेलवे जर्नीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की अपडेट जर्नी लाता रहता हूँ। आज मैं आपको इस अजमेर मुंबई बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे ट्रेन का टाइम टेबल, रूट, डिस्टेंस, फेयर, स्टॉप्स आदि बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल माय इंडियन रेलवे जर्नीज पर। फ्रेंड्स, यह एक त्रिदिवसीय ट्रेन है जो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अपना सफर अजमेर जंक्शन से शुरू करती है। इस ट्रेन का रूट चित्तौड़गढ़, रतलाम, वडोदरा, सूरत के रास्ते रविवार, बुधवार व शुक्रवार को बांद्रा टर्मिनस है। इस ट्रेन का अजमेर जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस के बीच कुल 17 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। वह यह ट्रेन अजमेर जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस के बीच 1018 किलोमीटर की डिस्टेंस को 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगभग 17 घंटे 50 मिनट में पूरा करती है। इस ट्रेन को अजमेर जंक्शन से रतलाम जंक्शन तक एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है, जो भगत की कोठी लोकोशेड WDP 4, 4B या 4D में से कोई एक डीजल लोकोमोटिव हो सकता है। वह रतलाम जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस तक एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है, जो वडोदरा का लोकोशेड WEB 4E WEB 5 में से कोई एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो सकता है। बात करें इस ट्रेन में लगने वाले कोचेस की, तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के 11 कोच हैं, जिनमें से 2 सामान्य गार्ड ब्रेक लगेज कोच, 2 सामान्य अनारक्षित क्लास कोच, 4 स्लीपर क्लास कोच, 2 AC 3 टायर कोच, 1 AC सेकेंड टायर कोच है। और अगर हम बात करें इस ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अजमेर जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस तक लगने वाले किराए की, तो जनरल क्लास का ₹295, स्लीपर क्लास का ₹520, थर्ड AC का ₹1,365, सेकेंड क्लास AC का ₹1,940 है। फ्रेंड्स, इस किराए में भारतीय रेलवे द्वारा कभी भी बदलाव किया जा सकता है, इसलिए लेटेस्ट व अन्य स्टेशनों का सही किराया जानने के लिए भारतीय रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर या भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrail.gov.in पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। इस ट्रेन में हमें ऑनबोर्ड कैटरिंग व ई कैटरिंग की सुविधा मिलती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब इस ट्रेन की इंटरेस्टिंग जर्नी की ओर। फ्रेंड्स, यह ट्रेन अजमेर जंक्शन से रात 8:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से अपने निर्धारित समय से रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला स्टॉप नसीराबाद है, जहां पर यह रात 8:54 पर पहुंचती है व 8:56 पर रवाना होती है। यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। दूसरा स्टॉप विजयनगर है, जहां पर यह रात 9:37 पर पहुंचती है व 9:39 पर रवाना होती है। यहां पर भी इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का तीसरा स्टॉप भिलवाड़ा है, जहां पर यह रात 10:24 पर पहुंचती है व 10:29 पर रवाना होती है। यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। चौथा स्टॉप चित्तौड़गढ़ जंक्शन है, जहां पर यह रात 11:40 पर पहुंचती है व 12:10 पर रवाना होती है। यहां पर इस ट्रेन का 30 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, यहां पर इस ट्रेन के साथ उदयपुर से आई ट्रेन नंबर 12996 उदयपुर बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के कोचेस को जोड़ा जाता है व अगले स्टेशन नीमच के लिए इस लिंक एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया जाता है। पांचवा स्टॉप नीमच है, जहां पर यह रात 1:09 पर पहुंचती है व 1:11 पर रवाना होती है। यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। छठा स्टॉप मंदसौर है, जहां पर यह रात 1:59 पर पहुंचती है व 2:01 पर रवाना होती है। यहां पर भी इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। सातवां स्टॉप जावरा है, जहां पर यह रात 2:43 पर पहुंचती है व 2:44 पर रवाना होती है। यहां पर इस ट्रेन का मात्र 1 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के आठवां स्टॉप रतलाम जंक्शन, जहां पर हमने 375 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर ली है। ये ट्रेन यहां पर रात 3:50 पर पहुंचती है व 4:10 पर रवाना होती है। यहां पर इस ट्रेन का 20 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, यहां पर इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। इस ट्रेन का नौवां स्टॉप दाहोद है, जहां पर यह सुबह 5:48 पर पहुंचती है व 5:50 पर रवाना होती है। यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। दसवां स्टॉप गोधरा जंक्शन है, जहां पर यह सुबह 7 बजे पहुंचती है व 7:02 पर रवाना होती है। यहां पर भी इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, इस ट्रेन का 11वां स्टॉप वडोदरा जंक्शन है, जहां पर यह सुबह 8 बजे पहुंचती है व 8:10 पर रवाना होती है। यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है।
12वां स्टॉप भरूच जंक्शन है, जहाँ पर ये सुबह 9 बजे पहुँचती है। वह 9:02 पर रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के 13वां स्टॉप सूरत, जहां पर हमने 764 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर ली है। ये ट्रेन यहां पर सुबह 10:11 पर पहुंचती है। वह 10:16 पर रवाना होती है। यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। 14वां स्टॉप वलसाड़ है, जहां पर ये दोपहर 11:11 पर पहुंचती है। वह 11:13 पर रवाना होती है। यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। 15वां स्टॉप वापी है, जहां पर ये दोपहर 11:36 पर पहुंचती है। वह 11:38 पर रवाना होती है। यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 16वां स्टॉप पालघर है, जहां पर ये दोपहर 12:34 पर पहुंचती है। वह 12:36 पर रवाना होती है। यहां पर भी इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का सेकेंड लास्ट स्टॉप 17वां बोरोवली है, जहां पर ये दोपहर 1:26 पर पहुंचती है। वह 1:29 पर रवाना होती है। यहां पर इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के लास्ट स्टॉप बांदा टर्मिनस, जहां पर हमने 1018 किलोमीटर की यात्रा लगभग 17 घंटे 50 मिनट में कंप्लीट की है। ये ट्रेन यहां पर दोपहर 2:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है। वह हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।